हेलो दोस्तों, आपका हमारे एल्युमिनियम हट चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो पीवीसी में बॉक्स बनता है वो कैसे बनता है, जो साइड में बॉर्डर निकाल कर वो हम कैसे बनाएंगे, आज इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपने जो पीवीसी है नॉर्मल, जैसे कि आप एक तो छत वाली होती है, हल्का पीस होता है, उससे थोड़ा सा हैवी जो है उसको हमने ये काट लेना है 4-4 इंच के हिसाब से। और जो चौड़ाई है इसकी, वो जो आपने साइज रखा है उसी हिसाब से आपने निकाल लेनी है। ऊंचाई को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने ये 4 फीट लंबाई का बनाया है और चौड़ाई इसकी हमने 5 इंच के करीब रखी है। इस तरह से आपने जो बॉक्स तैयार करना है, जो पीवीसी के बीच में आप देख रहे हैं जो लाइनें होती है, एक लाइन को हम पूरा बराबर ही रखेंगे। जैसे कि हमने ये ग्लू लगानी होती है और इसकी जो एक साइड है हम इसको पूरा बराबर ही रखेंगे। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाना है, चारों साइड जो लगाकर। ये देख रहे हैं आप जो ऊपर पीवीसी है वो इसकी टक्कर जो है बराबर है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही आपने भी बराबर रखनी है। ये इसलिए क्योंकि जो हम एल्फी या कोई आप और सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो लगाएंगे तो वो सही तरीके से हमारा काम करेगा। इस तरह से हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो गया। अब हमने जो एंगल है हमारी पीवीसी की एंगल की मोटाई है, जैसे वैसे ही हमने जो बॉक्स की टक्कर है उसकी चौड़ाई कर लेनी है। दिखाएंगे, ये दो पीस हमने जोड़ दिए और अब एंगल हम रख कर देखेंगे। इस तरह से ये देखें, जो एंगल है वो अंदर की साइड से बराबर हो गई और जो बाहर की साइड है वो हमारी एक टक्कर जैसे ग्रूफ जैसे बन जाएगा बॉक्स हमारा। इसी तरह से हमने इसको चारों साइड लगा लेना है निशान लगाकर। ये देख रहे हैं आप पीवीसी जो आपने ये लेनी है, जो एक तो आती है लैमिनेशन, एक होती है प्रिंट। ये प्रिंट वाली में ज़्यादा काम जो है ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि इससे जो हमारी एल्फी है वो ज़्यादा पकड़ करती है। देखें, थोड़ा सा ही लगाएंगे एक बार और ये पूरा पकड़ लेती है। इस तरह से हमने दोनों साइड लगाया और अब तीसरी साइड लगाएंगे। ये देखें, आपने भी इसी तरह से जो है लगा लेने हैं चारों साइड। अब हम एंगल लगाएंगे, ऐसी एंगल लगानी है आपने। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और आगे कौन सा वीडियो हम बनाएं। इस तरह से चारों साइड हमने ये एंगल लगा लेनी है। आगे हम देखेंगे ये
जो बॉक्स है वो हमने पीवीसी में फिट कैसे करना है ये भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस तरह से अब हमने जो है कलम लगानी है वो कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। ये देख रहे हैं आप इस तरह से हमने ये कलम बनानी है। एक अलग से हमने चैनल में वीडियो डाल रखी है कि कलम कैसे बनाते हैं, आप चैनल पे जाके हमारे वहाँ से देख सकते हो कलम कैसे बनती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। आपने जो कलम है बहुत ही सही तरीके से बनानी है ताँ जो आपका जो काम है वो बढ़िया तरीके से हो। जल्दी में काम कोई नहीं करना, जितना आप काम धीरे करोगे उतना ही आपका काम जो अच्छा होगा। इस तरह से हमने जो कलम बना लेनी है आपको हमारे चैनल पर पीवीसी की कौन सी क्वालिटी ख़रीदनी चाहिए इसके बारे में वीडियो हमने एक बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं जो हैवी पीवीसी है वो कौन सी और लाइट कौन सी है। ये देखें हमने कलम इस तरह से काट लेनी है। लीजिए ये हमारा जो बॉक्स है तकरीबन तैयार हो गया। इस साइड हमने एल्फी लगा देनी है और ये बॉक्स जो हमारा रेडी हो जाएगा एक साइड का। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी जो कलम है लगा लेनी है। इस तरह से ये हमारा एक साइड तैयार हो गया। एल्फी लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका एल्फी में जो है हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर आपका उंगली या लग गया वहाँ पर गूठा तो पीवीसी वहाँ से काली हो जाती है क्योंकि हमारा जो है मांस वो निकल जाता है। इस तरह से हमारा जो बॉक्स वो तैयार हो गए। ये देखें अब हम इसमें जो एक साइड है ये देख रहे हैं आप, ये साइड हमारी अंदर चली जाएगी और ये बाहर जो बॉर्डर बन जाएगा इस तरह से। अब हम देखेंगे इसको फिट करना है कैसे। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमने इसमें लाइट लगानी है उसका सुराख निकालेंगे। आप जो है हमारी लाइट है उसी हिसाब से इसका सुराख निकालना। हमने यह सीलिंग कैसे की है इसकी वीडियो भी हमने पहले बना रखी है, आप चैनल में देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें बॉक्स में डाल लेने हैं।
ये हमने 5 लगाए हैं। आपने बॉक्स को डालने से पहले थोड़ी थोड़ी एलफी लगा लेनी है, और बाद में जहाँ से ये ऊपर नीचे होगा वहाँ पर हमने एलफी और डाल देनी है। ये ऐसे हमारा जो बॉक्स फिट हो जाएगा। थोड़ा लाइट की दिक्कत आ रही है क्योंकि ये नाइट में काम किया है। इस तरह से ये हमारा जो कंप्लीट हो गया बॉक्स आप देख रहे हैं, और जो पूरी सीलिंग है वो इस तरह से तैयार होगी। वीडियो देखने के लिए आपको जो हमारी पहले वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, ये सीलिंग हमने कैसे की है। ओके दोस्त, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा।